क्या शुरू करना है? तो पहला प्रोसेस शुरू करेंगे आज। सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण। कल की लास्ट क्लास में जो प्रोसेस आपको बताया था, मैं सबसे पहला काम होता है लंबी दूरी के परिवहन में जल अवशोषण। सबसे पहले मृदा से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होगा, फिर इस जल का रसारोहण होगा और फिर वाष्पोत्सर्जन। तीन चीज़ें पढ़नी। तो जल अवशोषण का कार्य कहाँ से और कौन करेगा? पौधे जल का अवशोषण कहाँ से करेंगे और किसके द्वारा करेंगे? जल का अवशोषण जड़ों द्वारा मृदा से करते। तो मैक्सिमम जितना भी वाटर एब्जॉर्प्शन है जड़ों द्वारा होता है और सॉइल से मृदा से। जड़ों का मुख्य कार्य भी यही। जड़ों में भी आपने अगर जड़ों के विभिन्न भाग देखे तो जड़ के कौन से हिस्से से जल अवशोषण मुख्य रूप से होगा? जल अवशोषण के लिए पौधा अपनी जड़ में भी कुछ रूपांतरण करता है और वो एक कोशिकीय छोटे छोटे पतले पतले मूल रोम बनाता है। हम जड़ के विभिन्न भागों में एक भाग कहते हैं रूट हेयर जोन, मूल रोम क्षेत्र जो है वहीं से मुख्य रूप से होता है। जड़ों में भी ये मूल रोम द्वारा, रूट हेयर मूल रोम द्वारा। रूट हेयर जो होते हैं ये एक कोशिकीय हैं। जड़ों की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उपचर्म, रूट एपिडर्मल सेल के बहिर्वलन से बनते हैं। रूट हेयर जो होते हैं बहिर्वलन आउटफोल्डिंग से बनते हैं। अगर हम जड़ के विभिन्न भाग देखें तो जड़ का जो आगे का भाग रहता है इस तरह की एक संरचना बनी हुई देखी होगी। कौन कौन से हिस्से हैं नाम बता सकते हैं? ये सबसे ऊपर आगे का भाग क्या कहलाता है? ये मूल गोप या रूट कैप कहलाता है। ठीक है, इसके ठीक पीछे क्या होता है? ये सुरक्षात्मक आवरण की तरह। इसके पीछे होता है विभिज्योतक। कौन सा? मूल विभिज्योतक, रूट मेरिस्टम, विभिज्योतक क्षेत्र होता है। सबसे पहले रूट कैप मूल गोप, उसके ठीक पीछे जो है विभिज्योतक रूट मेरिस्टम, थोड़ा सा हिस्सा होता है जो लगातार विभाजन करता है, जानते हैं विभिज्योतक। इसके पीछे होता है दीर्घीकरण, यहाँ कोशिकाएं आकार में बढ़ती, दीर्घीकरण होता है, इलोंगेशन। और पीछे इसके पीछे रहता है वो स्थायी हो जाती है कोशिकाएं, जिसको कहते हैं मैचुरेशन जोन, परिपक्वन क्षेत्र। और इस परिपक्वन क्षेत्र में ही क्या होते हैं? मूल रोम, रूट हेयर्स। तो इसे हम रूट हेयर जोन भी कह सकते हैं। परिपक्वन क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रूट हेयर जोन। ये दोनों एक ही बात। इस परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम होते हैं। अब ये एक कोशिकी है, ठीक है। अगर मैं इस रूट हेयर के बारे में एपिडर्मिस बनाए तो देखिए ये इस तरह से थोड़ी सी अगर कोशिकाएं बनाएं, किस तरह से रूट हेयर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जिससे रूट के एपिडर्मल सेल ही जो है इस तरह से आगे बढ़ जाती है, बहिर्वलन इस तरह से बनते हैं। और इसलिए रूट हेयर को हम एक कोशिकीय कहते हैं। यूं ये जड़ों की जो एपिडर्मल, मैंने केवल बाहर की एक लाइन बनाई है, इसमें कोशिकाएं इस तरह से बढ़ जाती, ये बहिर्वलन से बनते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ? मूल रोम बनने से क्या फ़ायदा हुआ? एरिया बढ़ गया ना, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। बहिर्वलन से बनते हैं और इससे क्या हो जाता है? अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाए, अवशोषण का एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा अधिक अवशोषण हो पाएगा तो ये सतह क्षेत्रफल बढ़ जाए। और आप ये ध्यान रखना, ये बात हम एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, मूल रोम पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अगर किसी पौधे के मूल रोम नष्ट हो जाए तो पौधा मर जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कई बार हम एक जगह लगा हुए पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं तो पौधा चलता ही नहीं, लेकिन अगर उसको ढंग से लगाओगे तो चल भी जाता है। कैसे ढंग से लगाने? मतलब केवल पौधा मत उखाड़ो, उसके आसपास की मिट्टी भी खोद लो, मिट्टी सहित उसको लेके आके लगा दो तो चलता है। केवल पौधा उखाड़ने में क्यों नहीं चला? आप अगर केवल पौधा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाओगे ना तो इस प्रक्रिया में सारे रूट हेयर, ये मूल रोम नष्ट होता है। और मूल रोम नष्ट होने के बाद आप दूसरी जगह लगा दी तो वो पौधा चले गई। इसीलिए मिट्टी सहित लेके आते ताकि मूल रोम नष्ट ना हो, समझ गए? ठीक है, ये जो मूल रोम होते हैं इन मूल रोम का ओपी, ध्यान रखना मूल रोम का ओपी उच्च होता है, 3 से लेकर 6 एटमॉस्फियर।
मूल रोम में 3 से 6 एटमोस्फेयर का परासरणीय दाब होता है, ओपी उच्च होता है, जबकि मृदा का ओपी 1 से भी कम लेस देन 1 होता है। ऑयल का जो ओपी है वो 1 से भी कम। हमेशा पौधा अपने जड़ों अपने मूल रोम का ओपी उच्च रखता है, कितना रहता है 3 से 6 के बीच। मृदा जो है, मृदा के अंदर जो जल होता है वो शुद्ध जल नहीं होता, उसमें खनिज तत्व तो मिक्स होते हैं, वो एक तनु विलयन होता है और उसका ओपी कितना होता है 1 से भी कम होता है। अब सॉइल का ओपी कम, जड़ों का ओपी क्या हो गया ज़्यादा, और परासरण में गति जल की कैसे होगी, हाई ओपी से लो ओपी या लो ओपी से लो ओपी से हाई। तो अपने आप जब सॉइल में ओपी कम है तो जल सॉइल से कहाँ जाएगा, मृदा से जड़ों में आसानी से चला। तो इसी तरह की एक सांद्रता प्रवणता बनाई जाती है, ठीक है, और ये ओपी मेंटेन किया जाता है ताकि हमेशा सॉइल से जल जो है वो जड़ों में आ सके। तो अवशोषण का ये कार्य मूल रोम द्वारा होता है, समझ में आ गई बात। अब देखिए जब अवशोषण होता है, अवशोषण के साथ साथ जल जो है अंदर जब चलता है तो ये किसी न किसी रास्ते से तो जाए। हमने देखा है कि जल के अवशोषण के बाद जड़ों में जल 2 रास्ते से जा सकता है। एक रास्ता तो होता है वो थोड़ा जल्दबाजी वाला है, उसमें जल जो है कोशिका के अंदर ही नहीं जाता, 2 कोशिकाओं के बीच की जगह और बीच में हमेशा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, समझ रहे, और कोशिका भित्ति के सहारे से अंतरकोशिकीय अवकाश से चला जाता है। और एक होता है जिसमें जल जो है कोशिका के अंदर जाता है, मतलब जैसे ये बना तो हो सकता है वाटर जो है जल जो है यूं इनके बीच में से अंदर आ जाए, और या फिर ये जल इसमें आए फिर ये यहां से आगे जाए, समझ में आया। तो रास्ते 2 हैं, अवशोषण तो हो गई बट जल के वाटर के जाने के 2 रास्ते। एक रास्ता वो है जिसमें जल कोशिका में प्रवेश नहीं करता, कोशिका के बीच बीच में चलते, अंतर कोशिकीय अवकाश या भित्ति के सहारे, इसको बोलते हैं निर्जीव पथ, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या होती है निर्जीव, अंतर कोशिकीय अवकाश निर्जीव, तो ये निर्जीव रास्ते से जाता है, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट, सुना है ना। अगर ये कोशिका के अंदर गया तो अब ये किस में आ गया, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म में आ गया, अब कोशिका से अंदर होता वो, ठीक है, इससे फिर अगली कोशिका में, तो ये साइटोप्लाज्म से, आपने देखा होगा पौधे की कोशिकाएं एक दूसरे से कुछ छिद्रों द्वारा जुड़ी रहती है, क्या कहते हैं प्लाज्मोडेस में, तो आराम से अगर एक कोशिका में कोई चीज है तो वो प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे में चली जाए, तो वो कोशिका से होता हुआ जाए, ठीक है, ये रास्ता ये जीवित मार्ग कहलाता है, क्योंकि जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या माना जाता है जीव, इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। इसका मतलब पौधे में जल की गति के लिए 2 रास्ते हैं, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, निर्जीव पाथ सजीव पाथ, समझ में आया, ठीक है। किस रास्ते में जल को कम अवरोध मिले, प्रतिरोध कम किस्मों, आप अगर सड़क मार्ग से कहीं जा रहे हैं, आजकल तो बढ़िया बढ़िया 4 लेन हाईवे बन गए, पहले नहीं थे, सामान्य सड़कें होती थी और जब हम जाते थे तो जो भी बीच रास्ते में शहर आता था वहाँ भी अंदर जा रहे हैं, बस स्टैंड पर गाड़ी रुकी, चाय समोसा खाया, फिर आगे बढ़े, तो जितनी देर शहर में से निकलते थे धीरे धीरे जाना पड़ता, ट्रैफिक ज़्यादा रहता। अब आजकल 4 लेन बन गए, बाईपास बन, शहर के अंदर ही नहीं जाना, बाहर ही बाहर से चले जाए, तो वो ज़्यादा आसानी से जल्दी पहुँचते। एपोप्लास्ट क्या हो रहा है, क्या शहर के अंदर जा रहा है, वो तो बाहर ही बाहर से निकल गया, तो तेज गति कोई अवरोध नहीं, तेज गति से जाए, समझिए। तो अवरोध किस में कम हुआ, एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट में तीव्र गति से मूवमेंट होगा। अब सेल के अंदर जाने का मतलब तो शहर के बीच में से जाना है, तो रुकता रुकाता चलेगा, तो ये थोड़ा धीरे जाए। अच्छा, कोशिका कौन सा जल काम में ले, जो जीव द्रव्य के अंदर से जा रहा है वो या बीच रास्ते से, वो ऐसा थोड़ी कि अपने घर के बाहर पानी बह रहा है चलो बाल्टी भर ले, ठीक है, इसके तो अंदर जाएगा। तो जो साइटोप्लाज्म से होता हुआ जो जल जा रहा है ना, जो धीरे धीरे जाता है, लेकिन कोशिका के उपापचय में भी तो यही काम है ना, तो ये अलग रास्ता। अब आप देखो ये यहाँ से चलते जाएगा, आपने अगर थोड़ी सी आंतरिक संरचना पढ़ी हो तो एपिडर्मिस के बाद क्या होता है,
कॉर्टेक्स होता है, वल्कुट होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स का अंतिम स्तर क्या होता है, क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, है ना, उसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद फिर संवर्ण तक आ जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। अब आप देखो क्या है, प्रकृति की व्यवस्था देखना, यहाँ से फिर ये आगे कॉर्टेक्स की कोशिकाएं रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, चलता जाएगा। लास्ट में जब एंडोडर्मिस आता है, एंडोडर्मिस में मैंने आपको बताया था वेल्डिंग कर रखी है, वेल्डिंग जानते हो, दो को लोगों के बीच में एक टाका लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं की भित्ति पर एक जॉइंट लगा दिया, सुबेरिन का बना हुआ कैस्पेरियन बैंड, समझिए। अब आप देखो कैस्पेरियन बैंड क्या सुबेरिन का बना है, सुबेरिन बोले तो जो जल में घुलनशील नहीं, ओके, तो जो जल बीच में मजे से जा रहा था, ठीक है, वो एंडोडर्मिस तक तो चला जाए, उसके बाद तो बरसता ही नहीं, क्योंकि वो बीच में जा नहीं सकता, वहां क्या आ गई, कैस्पेरियन बैंड, तो वहां आकर मजबूरी में उसे फिर कहां जाना पड़ता है, एंडोडर्मिस की कोशिका के अंदर। अब वो कौन से रास्ते में आ गई, अब सिम्प्लास्ट, समझ में आई बात, मतलब एक ऐसे शहर पर आगे जहाँ बाईपास नहीं बना है, तो अब तो अंदर से जाना पड़ेगा, समझ गए। अब एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल और जो भी कोशिकाएं हैं वहां, अब वो कोशिका से कोशिका ही चलेगा अंदर ही अंदर, अब वो अंतर कोशिकीय अवकाश में नहीं चलेगा। तो इसका मतलब एपोप्लास्टिक पथ कहां से कहां तक रहा, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस, समझ गए, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक जल के जाने के दो रास्ते, जल किसी भी रास्ते से जा सकता है, वैसे ज्यादा जल एपोप्लास्ट से जाए, बताएंगे क्यों, लेकिन एंडोडर्मिस में पहुंचने के बाद सारा जल किस रास्ते से जाएगा, सिम्प्लास्ट, आगे सारा सिम्प्लास्ट रहेगा, जाइलम तक जाएगा, समझ में आ गई बात। पहले तो रास्ते पता होने चाहिए, फिर उसके बाद तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जड़ों में, मूल में या जड़ों में जल दो प्रकार के पथ से परिवहन करता है, दो प्रकार के रास्ते से आगे बढ़ता है। पहला इसमें है एपोप्लास्टिक पाथवे, हिंदी में भी इसको एपोप्लास्टिक ही लिखा जाए, पाथवे का मतलब हो गया पथ, ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे एक प्रकार का निर्जीव पथ होता है, अंतरकोशिकीय अवकाशों व कोशिका भित्ति से बनता है। ये जो रास्ता है ये इन दो चीज़ों से बने, जल मृदा से कोशिका भित्ति के सहारे अंतरकोशिकीय अवकाशों से गति करता है, जल जो है कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करता है और परिवहन तीव्र गति से होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे जो कि एक निर्जीव पथ है, अंतरकोशिकीय अवकाशों और कोशिका भित्ति से बना है, जल मृदा से कोशिका भित्ति के सहारे अंतरकोशिकीय अवकाशों से गति करता है, यहाँ जल कभी भी कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा, ध्यान रखें। यह पथ न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करता और तीव्र गति से परिवहन होता है, और यह पथ एंडोडर्मिस में सुबेरिन के बने कैस्पेरियन बैंड से बाधित होता है। अतः यह पथ कहाँ तक चलेगा, रूट एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक। चलिए, सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है ये बनता है कोशिकाओं से, कोशिका के इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म से, तो प्लांट सेल के प्लाज्मोडेसमेटा के माध्यम से आपस में जुड़े कोशिका द्रव्यों से बनता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। इसमें जल कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका से कोशिका चलता है, सेल से सेल, प्लाज्मोडेसमेटा के थ्रू होता हुआ, परिवहन में थोड़ा प्रतिरोध भी रहेगा, धीमा भी चलेगा। तो दो प्रकार के रास्ते रहेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे। देखिए, जड़ों की जो आंतरिक संरचना है उसकी मैंने एक एक कोशिका बनाई, सबसे पहली कोशिका कौन सी होगी, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, और फिर उसके बाद परिरंभ पेरिसाइकल, और यह हो गया अब संवहन ऊतक जाइलम, ठीक है, और ये जो बीच में हमने कट वो बनाया ये क्या है, प्लाज्मोडेसमेटा। अब देखिए, जल के जो आने का रास्ता है
एक रास्ता तो ये कि जल जो है सीधा कोशिका भित्ति से ही बढ़ता है आगे की तरफ ही ऐसे, ये यूं समझ लीजिए अंतर कोशी के अवकाशों में चल रहा, सेल के अंदर नहीं आता। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर एंडोडर्मिस तक आते आते इस जगह पर हमें दो सेल के बीच में सुबेरीन की बनी हुई एक पट्टी मिलती। ये तो अपन ने एक ही एंडोडर्मिस बनाई है, इसके उधर भी एंडोडर्मिस होगी, इधर भी होगी, तो ये जो है ये क्या है, कैस्पेरियन बैंड। अब आप देखो ये जल यहां तक तो आया लेकिन यहां अब कैस्पेरियन बैंड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा। तो ये अब ये इस रास्ते से आगे जाए, ये साथ साथ चलता है सेल वॉल से अंतरकोशी के अवकाशों से लगता हुआ ही चलता। एक तरीका तो ये है, ये कौन सा रास्ता हुआ, एपोप्लास्ट। ठीक है, सिम्प्लास्ट में क्या होगा, यहां पर जल जो है सीधा कोशिका के अंदर प्रवेश करे, और साइटोप्लाज्म से होता हुआ, प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ, कोशिका से कोशिका में ये आगे बढ़ता है, और ये भी जाइलम तक पहुंचता है। ये जो है ये सिम्प्लास्ट, आपको कुछ इसी तरह का डायग्राम एनसीईआरटी ने भी समझाने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि कोर्टेक्स खाली एक कोशिका का ही होता है, ये काफी बड़ा होता है। अपन ने क्या हर एक 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 सेल लेकर के समझने की कोशिश की, ये एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। तो रूट का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, देखिए रूट के एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक जल दोनों रास्तों से चलता है, लेकिन उसमें भी ज्यादा जल किस रास्ते से जाएगा, एपोप्लास्ट, वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन एंडोडर्मिस के आगे केवल कौन सा रास्ता बचेगा, सिम्प्लास्ट। ये हमने एक रूट का पूरा सेल्यूलर डायग्राम, वो तो एक एक सेल बनाई थी, ये रूट के एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम फ्लो है। रूट के अंदर समवन पोल किस प्रकार के होते हैं पता है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, ध्यान है ना। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से वाटर जाएगा। एक रास्ता तो ये है कि ये पानी जो है सीधा कोशिका के बीच से होता हुआ, देखिए यहाँ पर कभी भी कोशिका के अंदर एंटर नहीं करेगा, यहाँ तक आए, ये पीले रंग से बनाया, देखो बीच में से चल रहा है, कहाँ तक चला, एंडोडर्मिस, उसके बाद ये सेल में आ, फिर ये सेल से सेल होता हुआ कहाँ पहुँच गया, जाइलम। ठीक है, एक रास्ता और क्या हो सकता था कि ये जल सीधा ही रूट हेयर में आया, फिर ये यहाँ से इस सेल में सेल से सेल होता हुआ ऐसे जाइलम में पहुँच। तो देखिए एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक तो दोनों रास्ते, उसके बाद ये एक ही रास्ता हो गया कॉमन, दोनों को ध्यान से देखोगे दो रास्ते नहीं है, दोनों कौन सा रास्ता है, सिम्प्लास्ट से चलते। तो जल अवशोषण के दोनों पाथवे, अब पौधों में जड़ों से जिस तरह से जल का जाना होता है ये तो अपनी जगह ही, कुछ चीज़ें और भी हैं, और आपने पढ़ा भी होगा कवक मूल नाम की एक संरचना होती, जब हम जड़ और अवशोषण की बात कर रहे हैं तो माइकोराइजा के बारे में बात करना बनता है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ पौधे अपनी जड़ों में कवक भी रखते हैं। कवक और जड़ों का एक सहजीवी संबंध बनता है जिसे हम कवक मूल माइकोराइजा कहते हैं। कवक मूल पढ़ा तो है कभी, माइकोराइजा कुछ पौधे विशेष रूप से जो अनावृत बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है पाइनस, पाइनस जैसे जिम्नोस्पर्म या और भी हैं, इनमें कवक मूल पाया जाता है, एक प्रकार का सहजीवी संबंध जो कि जड़ों में और कवकों के बीच पाया जाता है, और संबंध में दोनों को फायदा है। कवक जो है जल और खनिज का अवशोषण करके पौधे को देता है, और पौधा जो है बदले में उसको कार्बनिक खाद्य, प्रकाश संश्लेषण करता ही कार्बनिक खाद्य और रहने के लिए जगह दे देता है। ये भी अवशोषण को आसान बनाने के लिए किया गया कार्य होता है। जिम्नोस्पर्म हम देखते हैं कई बार कवक
जो रूम मूल रोम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं, इसलिए उनको कवक मूल बनाना पड़ता है। और ये इनके लिए अति आवश्यक होता है, अगर कवक मूल नहीं बने तो ये जिम्नोस्पर्म ये पाइनस वगैरह अच्छे से वृद्धि नहीं करते, उगते ही नहीं, इनके लिए कवक मूल होना अति आवश्यक होता है। चलिए जल के इन पाथवे के बाद में आता है जल की क्रियाविधि, जल अवशोषण की क्रियाविधि। पौधों में जल का अवशोषण दो प्रकार की विधियों से होता है। ऊर्जा की उपयोगिता के आधार पर हम इसके दो भाग करते हैं, एक तो पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय अवशोषण सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय और सक्रिय का मतलब सीधा सीधा अंतर किस चीज का हुआ, बिना ऊर्जा के जल अवशोषण और ऊर्जा खर्च करके जल अवशोषण, पौधा दोनों तरह की बात करता है। वैसे पौधे का ज्यादातर जल बिना ऊर्जा खर्च के अवशोषित होता है, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है ये ज्यादा होता है। पौधा जितना जल अवशोषित करता है उसका 95-96% जल किस विधि से आता है, निष्क्रिय। मतलब ये अवशोषण करने में पौधे को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई ऊर्जा खर्च नहीं, बल्कि इसमें तो जड़ का भी ज्यादा काम नहीं, जड़ों से होके जल तो जाएगा लेकिन जड़ द्वारा नहीं हो, जड़ के माध्यम से जल अवशोषित हो जा रहा है बट जड़ इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। ठीक है, एक्चुअली ये जो अवशोषण है ये पौधे के वायवीय भाग में होने वाली कुछ क्रियाओं की वजह से, और पौधे के वायवीय भाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको बोलते हैं वाष्पोसर्जन। जानते हो ये वाष्पोसर्जन पत्तियों में लगातार जल को वाष्प के रूप में निकालता रहता है, जिसकी वजह से वहां जल की कमी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि वाष्पोसर्जन से जो जल की कमी होती है वो जाइलम द्वारा जल लेके पूरी की जाती, इस वजह से जाइलम में जल की कमी हो जाती, पत्तियों के जाइलम में, तने के जाइलम, और वही कमी जो है एक तनाव विकसित करती है और एक ऋणात्मक दबाव विकसित करती है, जिसको हम कहते हैं वाष्पोसर्जन खिंचाव। समझ में आया? अब वहां अगर जल की कमी है तो वहां जो खिंचाव है वो तने के ऊपरी भाग में है, वहां से उसको जड़ों की जाइलम में जल दिखता है, तो तने के ऊपरी भाग का ये खिंचाव जाइलम से जड़ को, सॉरी जड़ों की जाइलम में जो जल है उसको खींचता है, तो ये जल ऊपर आ जाता है तो वो तनाव का चला गया। भाई जाइलम से जड़ अगर ऊपर आ गया तो तनाव का चला गया, तने से जड़ों में, अब जड़ों की जाइलम में वो तनाव आ जाता है, और ये तनाव इतना मजबूत होता है कि ये मृदा में उपस्थित जल को सीधा खींचता है। तो आप देखिए ये तनाव इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सीधा सॉइल में जो वाटर है उसको खींचता है, तो ये पानी जो है स्वतः ही खींचा आता है, खींचा आएगा तो कहां से आएगा, कोशिका में नहीं जाएगा, जड़ को तो पता ही नहीं बेचारे, और जड़ के कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है वहीं से घुसता है और अंतर कोशीय अवकाशों से होता हुआ सीधा जाइलम तक है, एंडोडर्मिस से होता हुआ जाइलम। मतलब जाइलम के अंदर इतना जबरदस्त तनाव था, एक खिंचाव था जिसने मृदा में उपस्थित जल को सीधा ही खींच लिया, तो वो कहां से होके आया, कौन से रास्ते से आया, एपोप्लास्ट, मेनली तो एपोप्लास्ट है, एंडोडर्मिस के बाद मानते हैं सिंप्लास्ट को। ये जो अवशोषण है इसमें जड़ को भी, जड़ कुछ नहीं करती, जड़ तो जड़ भी देख रही है जाके से रहा है पानी, तो ये पानी कैसे जा रहा है, ऊपर से खिंचाव आ रहा, ऊपर के उस खिंचाव से ही सीधा सीधा वाटर ऊपर चढ़ता, न केवल अवशोषित होता बल्कि ऊपर भी चढ़ जाता। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ये वाष्पोसर्जन खिंचाव की वजह से अवशोषण होता है, यहां अलग से जड़ों को कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, बहुत सारा जल तो इसी तरह से जाता है, एपोप्लास्ट से होता। क्लियर? तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है जल का निष्क्रिय अवशोषण, पौधे का ज्यादातर जल मतलब 95-96% ज्यादातर जल इसी विधि से अवशोषित होता है। इसमें जल का अवशोषण बिना ऊर्जा खर्च किए, वाष्पोसर्जन खिंचाव
ट्रांसपिरेशन पुल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। इसमें जल एपोप्लास्टिक पथ से परिवहन करता है एवं जड़ों का इसमें जड़ों की इसमें सक्रिय भागीदारी नहीं होती। देखिए पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है उसकी मैंने स्टेप्स लिखी हैं यहाँ पर। ये खिंचाव से हो रहा, जड़ का ज़्यादा रोल नहीं है। देखिए ये चार स्टेप में पूरी चीज़ों को ध्यान रखनी है अपने को। सबसे पहले तो क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था अभी, पौधों की पत्तियों में सतत रूप से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, और इससे जल की कमी हो जाएगी पत्तियों में सबसे पहले। अब ये कमी लीफ के जाइलम से जल लेकर पूरी कर ले, तो जाइलम में जल की कमी हो जाती है और एक तनाव, एक ऋणात्मक दबाव विकसित होता है। सबसे पहले ये तनाव पत्तियों के जाइलम में महसूस होता है, ठीक है। अब पत्तियों का जाइलम तने के जाइलम से जल खींचेगा, तो ये तनाव कहाँ आ गया, तने के जाइलम में आ गया, ठीक है। तने के जाइलम का ये तनाव, ये नेगेटिव प्रेशर, जड़ों के जाइलम से जल ऊपर की ओर खींचता है और अंततः ये तनाव जड़ों के जाइलम में आ गया, तो स्ट्रेस बना और ये तनाव पत्तियों से तने में और तनों से जड़ में। अब जड़ में जो ये तनाव आया, ये क्या करेगा, जड़ों की जाइलम का तनाव मृदा से जल को खींचेगा, या अंततः इसको सॉइल से, तो ये जल जो एपोप्लास्टिक पाथवे से सीधा रूट के अंदर, जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। इसमें कहा भी ही जाता है कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स नॉट बाय द रूट्स। लाइन समझ में आई, कि जड़ों के माध्यम से जल जाए, वो रास्ता तो है लेकिन जड़ इसमें, जड़ ने कुछ काम किया नहीं, तो बाय द रूट नहीं, इसलिए मैंने लिखा है कि इसमें जड़ की सक्रिय भागीदारी नहीं होती, न ही कोई ऊर्जा खर्च हुई है। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो खिंचाव विकसित हुआ उसी से अवशोषण होता है, और ये खिंचाव इतना तीव्र होता है कि इसमें जल जो है एपोप्लास्ट से अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है, और यूँ समझिए कि कुल जो अवशोषण है उसका 95-96% तो इसी विधि से अवशोषित होता है, ये लगातार चलता है। इसका मतलब इस अवशोषण की दर किस पे निर्भर करेगी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तनाव बनेगा और उतना ही जल है, और वैसे भी ये जो जल लिया जा रहा है ये वाष्पोत्सर्जन के लिए ही तो जा रहा है, वहीं जाके उड़ जाएगा। अगर वाष्पोत्सर्जन की दर कम है तो वैसे जल की आवश्यकता कम है तो कम ही जाएगा, समझ रहे। तो ये तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें केवल ट्रांसपिरेशन के खिंचाव से सारा अवशोषण हो जाता है। तो निष्क्रिय अवशोषण का काम समझ में आया, बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है सीधा सीधा। अब बात करते हैं सक्रिय अवशोषण की। तो सक्रिय कहने के पीछे दो वजह हैं, एक तो ऊर्जा खर्च हो रही है और जड़ भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है, ठीक है। लेकिन इस विधि से बहुत कम जल जाए, 95-96% तो उससे गया, बचे हुए जो 4-5% जल है वो इस विधि से अवशोषित होता है, तो ये बहुत थोड़ा बहुत जल इससे अवशोषित होता है। इसमें ऊर्जा खर्च होती है, जड़ों की सक्रिय भागीदारी होती है, और रास्ता कौन सा रहेगा, यहाँ सिम्प्लास्ट। जब जड़ सक्रिय रूप से काम कर रही है तो जड़ तो जल को अपनी कोशिकाओं में लेगी, इसलिए यहाँ रास्ता रहता है सिम्प्लास्ट, ठीक है। अब सक्रिय परिवहन ध्यान रखना दो तरह से, या तो पराश्रणीय विधि से या फिर अपराश्रय। पराश्रय मतलब ऑस्मोटिक तरीके से, ये तो हो जाएगा ऑस्मोटिक और ये नॉन ऑस्मोटिक, अपराश्रणीय। यहां आपको कुछ विशेष बात लग रही, पराश्रण सक्रिय कार्य है या निष्क्रिय, हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना, विसरण पराश्रण में तो स्वतः ही गति हो रही है, कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ रही है, और यहाँ पर उसको सक्रिय अवशोषण में लिख रहे। अब यही चीज़ समझने वाली है,
बिल्कुल पराश्रम से ही होगा अवशोषण, लेकिन फिर भी सक्रिय कहीं। ये बात सही है कि पराश्रम में ऊर्जा नहीं लगती, लेकिन यह ऊर्जा खर्च होती, वो कहाँ होती इसको समझिए। पहले तो मुझे बता, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, ओपी का अंतर, जड़ों का ओपी कितना, जड़ों का कितना, अभी तो लिखा है थोड़ी देर पहले 3 से 5, 3 से 6 के आसपास। मृदा में कितना जल जाएगा, लो ओपी से हाई ओपी, तो लो ओपी किधर, सॉइल में, तो अपने आप वहां से जल मूल रूम में ऑस्मोसिस से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ऑस्मोसिस से जल आया मूल रूम में, तो मूल रूम का डीपीडी कम हो गया, पहले डीपीडी मांग ज्यादा थी, जल आया तो मांग गया होगी कम, लेकिन मूल रोम के जस्ट पास वाली जो कोर्टेक्स की कोशिका उसकी डीपी तो डीपीडी तो उच्च है, तो फिर ये जल मूल रोम से किस में चला गया, पास वाली कोशिका, फिर उसके पास वाली, फिर उसके पास वाली में, यहाँ क्या हो रहा है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सेल टू सेल जल किस विधि से जा रहा है, पराश्रम से, डीपीडी के ग्रेडियंट के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, और जल जो है डीपीडी की प्रवणता की दिशा में पराश्रण से गति कर, अवशोषण हो गया, अंदर तक आ गया, कहां तक आ गया, एंडोडर्मिस, चाइलम, पेरिसाइकल तक, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल तक जल को जाने में कोई ऊर्जा नहीं लगी, वो पराश्रण से जा रहा, लेकिन समस्या क्या है, जाइलम में वो ऐसे नहीं जा पाए, पेरिसाइकल तक तो आ जाएगा क्योंकि ये तो सजीव कोशिका है, जाइलम क्या है, निर्जीव कोशिका है, जाइलम वाहिकाएं होती है, उसमें कोई जीवद्रव्य नहीं, तो जाइलम में ऐसा थोड़ी वाटर चला जाए, जाइलम का उपयोग तो हमें उच्च करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जीवद्रव्य नहीं है। तो अब यहाँ ऊर्जा खर्च होती है, और ऊर्जा खर्च करके एटीपी यूज करके जाइलम के अंदर हम खनिज तत्व विलेय पदार्थ डालते हैं, समझे, तो ऊर्जा कहाँ लगी, जाइलम में खनिज तत्वों या सोल्यूट की पंपिंग। तो अब जब सोल्यूट जाइलम में गया तो ओपी बढ़ा, फिर उसके बाद पेरिसाइकल का जल किस में जाएगा, जाइलम, समझ में आई बात, तो विधि तो पराश्रणीय हुई लेकिन फिर भी ऊर्जा खर्च हुई। अब पूछो ऊर्जा कहाँ खर्च हुई, पराश्रण में नहीं हुई, लास्ट में जाइलम के ओपी को उच्च करने में हमें कुछ खनिज तत्वों को जाइलम में पंप करना पड़ा, वहां ऊर्जा खर्च हुई, याद रहेगा। अब वहां ओपी उच्च हो गया तो आराम से पेरिसाइकल का जल कहाँ चला गया, जाइलम में, पेरिसाइकल जल किससे लेगी, एंडोडर्मिस से, एंडोडर्मिस किससे लेगा, कोर्टेक्स से, कोर्टेक्स किससे लेगा, रूट हेयर से, रूट हेयर कहाँ से लेगा, तो ये चलता जाएगा, समझ ले, और सब तरफ से इसी प्रकार से जल आएगा और लास्ट में जाइलम में चढ़ाया जाएगा। ये समझ लो जाइलम में तो लोड कर रहे हैं ऊर्जा और खर्च कर रहे हैं। अब आप देखो सब तरफ से पराश्रमी रूप से इससे जल आया और आके इकट्ठा कहाँ हुआ, जाइलम में तो हुआ, ठीक है। ये रिवर्स नहीं जाता, मैंने बताया था आपको, ये उल्टा नहीं जाता कभी, क्यों नहीं जाता, एंडोडर्मिस एक वाटर टाइट जैकेट बना दे तो उल्टा नहीं जाए। जाइलम में सब तरफ से जल इकट्ठा होगा तो इससे जाइलम में एक दाब विकसित होता है, उसे कहेंगे मूल दाब, क्योंकि जड़ों का जाइलम है तो इसे रूट प्रेशर कहेंगे मूल दाब। और इस मूल दाब, ये मूल दाब किस तरफ लगेगा, इसकी दिशा क्या रहेगी, और कोई दिशा बची नहीं, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो अपने आप ये ऊपर की तरफ लगता है, इसलिए ये कुछ हाइट तक पानी को ऊपर भी ले जाता है, उस पर बाद में बात करें। तो अवशोषण समझ में आए, पराश्रणीय अवशोषण पराश्रण द्वारा हो रहा है, फिर भी ऊर्जा लास्ट में जाके लगानी पड़ रही है जाइलम में पंपिंग में, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मृदा में जल सूख गया, बहुत कम जल बचा गर्मियों में जैसे, तो ओपी उल्टा हो गया, सॉइल का बढ़ गया ओपी और जड़ का क्या हो गया, कम। तो अब तो परिस्थिति ऐसी बन रही कि जड़ मूल रोम में जो जीव द्रव्य में जो जल है वो बल्कि बाहर चला जाए, उल्टा हो गया ना, अब तो ठीक है। लेकिन क्या पौधा ऐसा होना देगा, नहीं, पौधे को जब लग जाएगा कि बाहर जल सूख गया है और ओपी उच्च हो गया है तो अपना जल ही बाहर निकल रहा है, तो वो तुरंत अब यहाँ और ज्यादा ऊर्जा खर्च हो, वो ऊर्जा खर्च करके अपनी कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदलता है और अपने अंदर से जल को बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत बाहर जल अभी भी है उसको भी खींच के लेके आए,
तो सांद्रता प्रवणता की दिशा के विपरीत उच्च ओपी से निम्न ओपी की तरफ जल का अवशोषण होगा। क्या यह परासन हुआ? क्या ये क्या कहलाएगा? आप इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगी, समझ में आई बात? इसमें तो शुरू से ऊर्जा खर्च करके लाना पड़ेगा, हालांकि ये बहुत कम होता है। ये पौधा ज्यादा समय तक नहीं चला पाएगा, बहुत ऊर्जा लगती है और पानी वैसे भी बाहर बचा नहीं है, फिर पौधा जो है मुरझाने लगेगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर लंबे समय तक रहा तो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो परासरणीय और अपरासरणीय दोनों विधियां हैं, ऊर्जा दोनों में खर्च होगी लेकिन तरीका अलग अलग है। पहले अपन परासरणीय की बात करेंगे। नॉन ऑस्मोटिक मेथड कम ही होता है। परासरणीय विधि में परासरण द्वारा मृदा से रूट हेयर में जल का अवशोषण होता है। तो सक्रिय जल अवशोषण, इसमें मुख्य रूप से परासरणीय विधि से ही जल का अवशोषण होता है। मृदा का ओपी 1 से कम होता है, जबकि मूल रोम का ओपी 3 से 6 एटमॉस्फेयर का होता है। अतः जल निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर गति करता है और परासरण द्वारा ये एक सेल से दूसरी सेल में आगे बढ़ता है और कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस होते हुए पेरिसाइकल में आ जाता है। अब जाइलम में ओपी को उच्च रखने के लिए हमें विलेय या खनिज को ऊर्जा की मदद से पंप करना पड़ता है और उसके बाद जाकर पेरिसाइकल से जाइलम में जल प्रवेश करता है। जाइलम में जल के आने से एक धनात्मक दाब भी बनता है, पॉजिटिव प्रेशर, जिसको हम मूल दाब भी कहते हैं। ये तो परासरणीय विधि हो गई। अपरासरणीय विधि में ज़्यादा कुछ नहीं है। अपरासरणीय जल अवशोषण विरल रूप से ही होता है, बहुत रेयरली होगा। और अपरासरणीय जल अवशोषण में कब होगा? जब कभी मृदा में जल की अत्यधिक कमी हो जाती है तो उसका ओपी जड़ों से भी उच्च हो जाता है। ऐसे में ऊर्जा खर्च करके जल का सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी कि उच्च ओपी से निम्न ओपी की तरफ जल का अवशोषण किया, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी काम में खर्च होती है। वहां पर आपको ओपी जाइलम के ओपी को ऊंचे रखने में ऊर्जा खर्च होती है। अभी हमारी छुट्टी नहीं हुई है, कृपया इंतजार न करें। जल अवशोषण का ये पूरा कार्य किस तरह से जल का सॉइल से लेकर जड़ों में आना, उसका रास्ता और उसके अवशोषण का तरीका, ये पूरा अवशोषण है। इसको हम वाटर एब्जॉर्प्शन ही हमारी पहली स्टेप, ठीक है। हालांकि इसके साथ साथ खनिज तत्व भी अवशोषित होते हैं, लेकिन खनिज तत्वों के अवशोषण का तरीका अलग है। वो हम खनिज तत्व मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ते हैं। अब जल अवशोषित हो गया, फिर मैंने क्या कहा था, जड़ों में आने के बाद इस जल का क्या होगा? ऊपर की ओर रसारोहण। वैसे ये सब काम साथ साथ ही होता है, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रसारोहण को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। यहाँ पर अपने असेंट ऑफ वाटर नहीं बोला, ये जो सैप होता है या रस जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है इसके अंदर जल और खनिज तत्व दोनों हैं। वाटर और मिनरल मिलाकर के बनता है रसारोहण, सैप कहते हैं। तो जल का और खनिज तत्वों का अवशोषण अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंततः आते तो दोनों जाइलम में। यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का रास्ता एक ही, तो दोनों साथ साथ ही लिफ्ट होते हैं, इसलिए हम इसको असेंट ऑफ सैप कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। ये कार्य भी किस तरह से होता है? वैसे ये जो हमने भी एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही कार्य होता है। पहले तो इसको परिभाषित कर लें कि रसारोहण या असेंट ऑफ सैप क्या कहते हैं। पौधों में चल व खनिज तत्वों का तनु विलयन के रूप में जड़ों से वायवीय भागों में ऊपर की ओर परिवहन होना रसारोहण कहलाता है। रसारोहण का ये कार्य पौधे के कौन से उत्तक से होगा? ये हमेशा जाइलम से होता है और इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया जा सकता है कि जाइलम द्वारा ही होता है। एक प्रयोग होता है जिसको हम गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि अगर तने में से जाइलम बीच में से काट के हटा दें
हालांकि थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन निकाल सकते हैं। अगर जाइलम हटा देते हैं तो पौधे का कौन सा भाग पहले मरता है? क्वेश्चन यही है। तने पर बीच में से हमने थोड़ी सी जाइलम निकाल दी, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग पहले मरेगा या नीचे वाला? क्योंकि क्यों जाइलम हटा दी तो क्या रुकेगा? जल परिवहन रुकेगा। तो जल किधर से कहाँ जा रहा था? नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जड़ें तो अवशोषण कर ही रही थी। अब अगर आपने जाइलम बीच में से हटा दी तो ऊपर वाले पत्तियों और ऊपर वाले वायवीय भाग को जल नहीं मिलेगा, तो जल की कमी से पहले वो मरेगा ना, ठीक है। जाइलम हटाने से हमेशा वायवीय भाग की मृत्यु पहले होती है, और अगर आपने फ्लोएम हटा दिया तो फिर भूमिगत भाग की मृत्यु पहले होगी। ध्यान रखें, दोनों में से दोनों एक साथ नहीं हटा रहे, या तो जाइलम हटाओ या फ्लोएम हटाओ। जाइलम हटाएंगे तो वायवीय भाग, और फ्लोएम हटाने पर भूमिगत भाग की मृत्यु होती। वो इसी वजह से कि जाइलम हटाओगे तो जल अवशोषण अवरुद्ध हो जाए, जल का ये रसारोहण अवरुद्ध हो जाए, ठीक है। रसारोहण की जो क्रियाविधि है इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। दो सिद्धांत द्वारा ये समझाया जाता है, जिसमें से पहला सिद्धांत होता है मूल दाब सिद्धांत। हालांकि मूल दाब सिद्धांत में कुछ कमियां रही और इसलिए फिर बाद में एक और थ्योरी दी गई। पहला सिद्धांत जो बनाया था वो था रूट प्रेशर थ्योरी। रसारोहण को दो सिद्धांतों द्वारा समझाया जाता है, जिसमें पहला काम है मूल दाब। मूल दाब सिद्धांत एक्चुअली हमने अभी एब्जॉर्प्शन के अंदर भी पढ़ा कि जड़ों में जब जल का अवशोषण होता है तो मूल दाब बनता ही बनता है। परासरणी अवशोषण में क्या बनेगा? मूल दाब। ओके, तो जड़ों के अंदर मूल दाब बनना स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूल दाब की दिशा हमेशा ऊपर की ओर ही होगी, इसलिए परासरणी विधि से जो जल अवशोषण हुआ उसने जड़ों में एक दाब बनाया, ये धनात्मक दाब है, और इसकी वजह से जल जाइलम में कुछ ऊंचाई तक स्वतः ही चढ़ जाता। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना रहा कि ये जो मूल दाब बना इसी से रसारोहण भी होगी, ऊपर तक चढ़ गया। लेकिन मूल दाब के सिद्धांत में कुछ कमियां दिखी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जड़ के अंदर करीब 1 से 2 एटमोस्फियर का मूल दाब बनता है, मिनिमम 1 एटमोस्फियर का, अधिकतम 2 एटमोस्फियर का। और अगर हम थोड़ी फिजिक्स लगाएं, गणित लगाएं, तो अगर जड़ों में 1 वायुमंडल का दाब बने अगर 1 एटमोस्फियर का, तो करीब करीब 30 से 35 फीट पानी चढ़ जाता है। औसतन 32 फीट, मतलब 10 मीटर मान, 10 मीटर में करीब 32-33 फीट हो गए। और अगर 2 वायुमंडल का दाब बना तो पानी 20 मीटर तक चला जाए, मतलब आराम से 60-65 फीट तक तो पानी चले ही जाए। अच्छा, 60-65 फीट कम नहीं होता? तो ऐसे में देखा जाता है कि मूल दाब अगर 2 वायुमंडल का भी बना तो करीब करीब 20 मीटर 60-65 फीट की ऊंचाई तक तो मूल दाब से पानी का रसारोहण हो जाएगा। तो लोगों ने कहा ये बहुत है। हालांकि हमने देखा कि पौधों की लंबाई तो 60 फीट से भी बहुत बड़े बड़े भी पौधे हैं, कई सैकड़ों फीट तक होते हैं। तो पहली बात, मूल दाब छोटे पौधों में, शाकीय पौधों में, कम लंबाई के जो पौधे हैं छोटे वृक्षों में, इनके लिए तो फिर भी पर्याप्त है, लेकिन अत्यधिक लंबे पौधों में रसारोहण फिर मूल दाब से संभव नहीं है। मूल दाब की कमियां देखिए, मूल दाब बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, वो कुछ ऊंचाई तक तो जल को लेके जाए, छोटे पौधों शाकीय पौधों में चलेगा, बट अत्यधिक लंबे पौधों में नहीं चलेगा। अच्छा, मूल दाब में एक दिक्कत और है, मूल दाब कभी भी पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। अक्सर देखा गया है सुबह और शाम के समय मूल दाब ज्यादा रहता है और दिन के समय मूल दाब कम रहता है, जबकि यहां तो उल्टा है, जल की आवश्यकता तो दिन में ज्यादा है, ठीक है। तो मूल दाब सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी यही थी कि मूल दाब पूरे दिन भर एक जैसा नहीं रहता और वो अक्सर कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, मूल दाब अलग अलग जलवायु में भी अलग अलग होता है, सर्दियों में, गर्मियों में, बसंत में मूल दाब का मान अलग अलग आता है। तीसरी बात, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें मूल दाब ही नहीं बनता, और पृथ्वी के जो सबसे लंबे पौधे हैं जिम्नोस्पर्म, उनमें मूल दाब नहीं बनता, वहाँ मूल रोम भी नहीं है, कवक मूल पड़ा था, ठीक है।
ये सब चीजें देख करके एक चीज तो पता चली कि मूल दाब से तो कम से कम पूरी तरह से रसायन होना नहीं है। निष्कर्ष ये निकला, अब आप देखो जिम्नोस्पर्म जो कि सबसे लंबे पौधे होंगे मूल दाब ही नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि रसारोहण में कुछ और कारक भी जिम्मेदार है। रसारोहण केवल मूल दाब के भरोसे नहीं है। निष्कर्ष ये निकला कि भाई ठीक है, मूल दाब रसारोहण के कार्य में मदद जरूर करता है, लेकिन यही मात्र रसारोहण का कारक नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं जो बाद में खोजी गई। समझ में आई बात? सबसे पहले तो मूल दाब की बात करें, इसको ही क्यों नहीं मान लिया, ये कारक है, मदद करता है, बट यही मात्र कारक नहीं। फिर अंततः निष्कर्ष में एनसीईआरटी भी समझाती कि मूल दाब का सबसे जो मुख्य कार्य रहेगा वो तने के जाइलम में पानी के कॉलम को सतत बनाए रखना। इसका काम क्या रहेगा? तने में जो जाइलम होती है उसमें पानी का कॉलम सतत रहता है, जैसे इंजेक्शन में पानी खींचते हैं ऊपर चढ़ते हुए देखा कभी पानी, ठीक है, और वो कॉलम पूरा सतत चलता है, टूटता नहीं, बीच में एयर आ जाती है तो टूट जाता है, ठीक है। तो जाइलम के पानी के कॉलम को सतत बनाने के लिए नीचे से ये प्रेशर लगता है, तो इससे जाइलम में पानी का कॉलम क्या रहेगा? सतत, और ये बहुत जरूरी है, तभी रसारोहण होगा। अगर बीच में वो एयर आ गई, एक बुलबुले आ गए हवा के, तो कॉलम टूट गया, कॉलम टूटते रसारोहण रुक जाए। तो मूल दाब रसारोहण में मदद करता है, लेकिन मूल दाब रसारोहण का एकमात्र कारक नहीं है, मुख्य कारक कोई और है, और वो दूसरा कारक अगेन वही है, वास्कोसर्जन खींचा, ठीक है। और रसारोहण जो है धक्का देने और खींचने दोनों कार्यों से, मूल दाब क्या करेगा? धक्का देगा, अब ऊपर से खींचेगा कौन? वाष्पोषण, ये दोनों चीजें मिलेगी तब जाके, और फिर तो आप उसको कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते, ठीक है। तो दो सिद्धांत पढ़ने हमें इसमें, अगली क्लास में इसको आगे शुरू करें।